हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आर्मी ऑर्डन कॉप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो ये भर्ती 2019 की है, जिसके बारे में आप काफ़ी लंबे समय से जो है इंतज़ार कर रहे थे, और काफ़ी लंबे समय के बाद जो इसका एग्ज़ाम का जो है प्रोसेस हुआ, और उसके बाद अब इसका इंतजार है रिजल्ट का। तो दोस्तों, इस भर्ती में आपको पता है कि फायरमैन का रिजल्ट जो अपडेट कर दिया गया है, बट अभी ट्रेड्समैन का और बाकी सभी पोस्ट बाकी जो बचे हैं। ट्रेड्समैन का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी वो आपको पता है सबसे ज़्यादा थी, इसलिए मैं ट्रेड्समैन के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और बाकी की अगर वैकेंसी की बात करें तो मटेरियल असिस्टेंट स्टेनो का है, टेलीफोन ऑपरेटर है, कुक है, टेलर है, फिटर है, मॉनिटर है, तो इस प्रकार की जो बाकी की वैकेंसी है उसके बारे में अभी मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम जो इस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट ट्रेड्समैन की। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड्समैन में कितना कटऑफ जाएगा, क्या इसका एक्सपेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल का क्यों ना हो, जी हाँ दोस्तों, हम सभी प्रकार के सरकारी नौकरी के जो फॉर्म्स का वीडियो है वो लेकर आते हैं आपके लिए स्मार्ट नौकरी चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर ना करते हुए। तो चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो क्या है कि कितने मार्क्स का पेपर था, वो तो आपको पता है, फिर भी मैं हम शुरू से देखेंगे, इसलिए मैं आपको पूरी चीज़ें जो है विस्तार से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो है 150 नंबर का पेपर हुआ, जी हाँ, और इसके लिए आपको जो समय दिया गया था वो 2 घंटा दिया गया था, यानी 120 मिनट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको जो है निगेटिविटी, यानी कि जो निगेटिव मार्क्स था वो बिल्कुल नहीं था, जी हाँ। तो यानी यहाँ पे आपने सभी ने, यानी मोस्टली देखा जाए दोस्तों, तो 100% तो नहीं, फिर भी 90% तो जो ऐसे हैं जो सब के सब क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, क्योंकि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसके वजह से क्या है, सभी लोग तुक्का लगा के आते हैं। और दोस्तों, आपको पता है अगर आपने 4 तुक्का लगाया तो आपका अप्रोक्सीमेटली 1 तो सही हो ही जाता है, और वो 3 मार्क्स आपको नहीं कटेंगे, क्योंकि जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो कटऑफ है उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा हाई जाने वाला है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग अटेंड ज़्यादा किए हैं। तो बात करें अगर हम जनरल इंटेलिजेंस से, पहले टॉपिक से, तो जनरल इंटेलिजेंस की जो है और रीजनिंग का, उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे अपने। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड थे, वो भी 25 क्वेश्चन थे। उसके बाद जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस थे, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन आपके जो थे वो थे आपके स्पेशलाइज्ड टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, स्पेशल टॉपिक पर थे। इस प्रकार आपके कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मार्क्स कहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो जो मार्क्स बढ़ने की जो चांसेस है वो है आपका रीजनिंग, जो 25 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 यानी 50 ये हो गए, और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ये हो गए, और जो नंबर 3 पे आता है वो है जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जिसको मिला के 50 है। तो यहाँ पर लगभग आपका जो है ओवरऑल देखा जाए तो औसत 50 में से आप सभी लोग जो है 30 के आसपास तो पहुँच ही सकते हैं, या उसके थोड़ा सा नीचे। स्पेशलाइज टॉपिक जो थे वो सस्पेंस था, इसलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो थे यहाँ पे आपको भले दिक्कत हो सकती है 20 प्लस में आने के लिए, लेकिन फिर भी इतना ओवरऑल आपका आ ही जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों, आपका जो एनालिसिस करने के बाद कटअप बन रहा है वो है अनरिजर्व्ड के स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका 125 जाएगा, जी हाँ दोस्तों, 125 मार्क्स के आसपास में जो इसकी कटअप जाएगी जनरल वालों की। इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबी जो है यहाँ पर सेंट्रल की जॉब है ये, और काफ़ी लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा था, और 2 साल बाद ही भले एग्ज़ाम हुआ लेकिन काफ़ी लोगों ने जिसमें अपीयर किया था, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ओवरऑल कटअप जाने की चांसेस है वो है 125। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कटअप आपका यहाँ पे 120 प्लस में हो, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, 120 के आसपास में है, या इससे नीचे भी थोड़े 1-2 नंबर हैं तो भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेड्समैन में, यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 3 पे आ जाते हैं एससी की, तो यहाँ पे तो आसानी से दोस्तों अगर आपका 100 भी नंबर है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है सीट कम थी, एससी में इतने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एससी में कटअप जो है 100 आसपास में रहने वाली है, जी हाँ दोस्तों, ये 150 नंबर से मैं से बता रहा हूँ आपका, क्योंकि मैंने पिछला जो वीडियो था वो परसेंटेज पर बनाया था, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक अच्छे से जो आपके 150 मार्क्स के तो उसके ऊपर बनाऊँ। तो यहाँ पर एससी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके 100 नंबर है, तो आसानी से आप यहाँ पर सिलेक्शन पा जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई टेंशन की या कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पे आ जाते हैं एसटी की, तो एसटी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर 95 के आसपास में भी आपका नंबर है, जी हाँ,
95 नंबर के आसपास भी अगर आपका नंबर है तो आसानी से आप यहाँ पर सिलेक्शन पा जाएंगे, आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये टेस्टमेंट की कटऑफ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ भी जानना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।